फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है। ऐसे हमें ड्रेस पहनानी है और फिर हमने ये जो डोरी लगाई है, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी डोरी लगाई है, जिससे कि पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर सा फ्लावर का शेप आएगा जब हम इसको बांधेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे से कान्हा जी ढके भी हुए हैं और ये जो हमने डोरी लगाई है, इसकी वजह से पटका का लुक भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। पीछे की तरफ से भी मैं आपको ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से देखिए, ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है। ये मोटा वाला ऊन है, इसीलिए मैंने इसको सिंगल ही रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन ले रहे हैं, तो उसको डबल करके भी ये ड्रेस बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो अब हमें ड्रेस बनाने के लिए पहले चेन बनानी है। तो देखिए, यहाँ किनारे से ऐसे हम इसको मोड़ेंगे और ये एक लूप की तरह बन जाएगा। अब हमें इस लूप में डालना है क्रोशिया को, और क्रोशिया में फिर ऊन को लेके इस लूप में से निकाल लेना है। फिर जब हम लॉक करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे टाइट हो गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इस लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 14 यानी कि 14 चेन बना के कम्प्लीट करनी है। तो मैंने 1, 2, 3, 4 चेन्स बना ली है। ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो टोटल मैंने देखिए 14 चेन्स बना के कम्प्लीट कर ली है। अब हम दो चेन छोड़ देंगे, तो एक चेन यहाँ क्रोशिया में भी है, फिर इसके बाद वाली चेन भी हम छोड़ेंगे, और तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में दो फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, देखिए मैंने ये जो चेन्स बनाई है, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी ढीली बनाई है, जिससे कि ईजिली हम इसको बिन सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगी ना, तो आपको बिनने में प्रॉब्लम होगी पहली लाइन। अब देखिए, ये जो दूसरी चेन है, इसमें भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। इसको हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। सिंपल देखिए, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप चेन्स ढीली रखेंगे, तो पहली लाइन बिनने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और अगर आप टाइट टाइट चेन्स बनाएंगे ना, तो आपको बिनने में प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी हमें जो बुनाई है, वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कड़ा हो जाता है जो ड्रेस होता है। और अगर आप थोड़ा सा ढीला बिनते हैं, तो ड्रेस मुलायम रहती है। लास्ट तक मैंने देखिए बिन के सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है। पलट कर हम एक चेन बनाएंगे। पहले चेन बनाने के बाद, अब देखिए यहाँ फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ऐसे ही हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलटना है, और पहले हम एक चेन बनाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, सभी लाइन में पहले हमें एक चेन बनानी है,
और उसके बाद हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। और कुछ भी हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है ऐसे ही सिंपल। अब हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर हमें इसको पलट लेना है। और पहले हमें एक चेन बनानी है, उसके बाद फिर हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें इसको बीनते जाना है, और बीनते हुए हम एक पट्टी तैयार करेंगे। तो मैं बीन कर पट्टी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 7 लाइंस बीन के कंप्लीट की है। मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो टोटल 7 लाइंस। अब हमें क्या करना है, कान्हा जी के लिए नेक बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 13 चेन है। तो पहले हम देखिए एक चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 हो गई। फिर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, तो ये 3 हो गई। और फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 4 हो गई। तो टोटल हमने देखे 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशिया बनाई है। शुरू में हमने जो एक चेन बनाई थी उसको भी हम सिंगल क्रोशिया ही मानेंगे। तो 4 हमने इधर बीन लिया है। अब बीच में से 5 चेन हम छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें क्या करना है, 5 सिर्फ चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। नीचे से 5 चेन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 चेन में फिर से हमें क्रोशिया डालनी है, और ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1, ये देखिए 2, ये हो गया 3 और लास्ट में ये 4। तो 13 चेन थी टोटल। इधर हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाई है, फिर 5 हमने चेन बनाई है, फिर इधर से 4 सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है, और कान्हा जी के लिए यहाँ पे नेक भी बन गया है। अब हम इसको पलट लेंगे, और हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तो पहले हमें देखिए ये 4 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है, और अब हमने ये जो चेन बनाई है ना, इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 5 चेन है, तो हम 5 सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे। ये देखिए ये 2 हो गई, ये 3, 4 और ये लास्ट में 5। 5 चेन थी, हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली। और अब इधर से हमें 4 सिंगल क्रोशिया फिर से बनानी है, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। ये देखिए ये 3 और ये लास्ट में 1 और 4। तो अब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है, और बीच में हमने कान्हा जी के लिए यहाँ पे नेक भी बना लिया है। अब हमें इसको फिर से पलटना है, और शुरू में हम पहले चेन बनाएंगे, अब फिर हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जितनी लाइंस हमने यहाँ से यहाँ तक बिनी थी, उतनी ही लाइन हमें यहाँ से आगे भी कंप्लीट करनी है। तो टोटल 7 लाइंस हमने बनाई थी। यहाँ पे एक लाइन मैंने पहले बना ली है, अब 6 लाइंस और बना के मुझे कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर की तरफ से भी टोटल 7 लाइंस बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हम इसको लॉक करेंगे, तो हमें ऐसे एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर लेना है। इसको टाइट करके अब हम ये जो एक्स्ट्रा ऊन बचा है इसको कट नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद वाली चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। इस तरीके से ये जो ऊन है ना, ये यहीं पर फंसता रह जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा, और अगर हम कट कर देंगे ना तो पास से कट होने के बाद ये खुलने लगता है। तो इसीलिए मैं इसको अब कट नहीं करती हूँ, पहले मैं भी कट कर दिया करती थी। तो अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम इसमें लगाने के लिए डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है, और इस तरीके से हमें लूप बनाना है, फिर हम लूप में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसा कर ऐसे निकाल के टाइट करेंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर ऐसे चेन बनानी है, तो टोटल हमें 5 चेन बनानी है। ये 3 हो गई है, ये 4 और ये 5। 5 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे,
और ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। दो फंदे हो गए, तो ये वाला जो फंदा है इसको हम इसमें से निकालेंगे, इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। इस तरीके से आप देखिए ये लॉक हो गया है और बीच में एक होल की तरह भी बन गया है। इसमें से हमें अब फ्लावर बनाना है, तो पहले हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो हमने होल की तरह बनाया है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और उनको फंसा कर निकाल देंगे। तीन फंदे हो गए क्रोशिया में, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें सिर्फ दो फंदों से निकालना है। दो फंदे बचे, तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकाल लेंगे। डबल क्रोशिया बन गई, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो होल है इसमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। तीन फंदे हो गए क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे। दो फंदे बचे, फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे। तो ऐसे हमने डबल क्रोशिया बनाई। फिर से हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है, इस होल के अंदर क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेना है। तीन फंदे हो गए हैं क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे। दो फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 22 यानी कि 22 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। इसके साथ ही साथ ये देखिए ये जो ऊन बचा है ना, इसको भी हम साथ में ऐसे लेकर और बीनते जाएंगे, जैसे कि ये भी जॉइंट हो जाएगा। टोटल 22 डबल क्रोशिया बना के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए शुरू में हमने जो तीन चेन बनाई थी, तो नीचे से हम दो चेन छोड़ देंगे, एक और ये दो। तीसरी चेन में हमें क्रोशिया डालनी है, उनको फंसा कर निकालना है। दो फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गया, एक बार और हम ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे तो ये अच्छे से एकदम लॉक हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम चेन बनाएंगे, तो हमें सिंपल सी चेन बनाते जानी है। जितनी लंबी अब आप डोरी बनाना चाहते हैं उतनी चेन्स बना सकते हैं। जैसे जैसे आप चेन बनाएंगे वैसे वैसे डोरी बढ़ती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लंबी सी डोरी बना के तैयार कर ली है। अब लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम ढीला करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें ड्रेस लेनी है और ऊपर से ये देखिए ये जो हमने नेक बनाया है, यहाँ से एक दो छोड़कर ये जो तीसरी वाली लाइन है इसमें हमें डोरी डालनी है। तो यहाँ किनारे से हमें देखिए ऐसे करके डालना है क्रोशिया और डोरी को हम यहाँ से पकड़कर इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ से डोरी निकल गई। अब हमें देखिए एक दो और ये तीन चेन छोड़ देनी है और यहाँ पे जो गैपिंग है अब यहाँ पे हम डालेंगे और फिर से हमें देखिए ऐसे डोरी फंसानी है क्रोशिया में और खींच के निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए अब हमें फिर से एक दो तीन चेन छोड़नी है और जो गैपिंग है यहाँ पे हम पीछे से डालेंगे और ऐसे पकड़ कर निकाल लेंगे। फिर से देखिए हमें एक दो तीन छोड़नी है और यहाँ चौथे वाले में से निकालना है। तो अब हम आगे से डालेंगे और यहाँ पीछे की तरफ से फंसा कर निकाल लेंगे। तो डोरी निकालने के बाद अब इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये जो ऊन है ये इसमें हमने फंसा के रखा है, क्योंकि इधर की तरफ से भी अभी हमें ये टैसल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा अगर आप ऊन खींचेंगे ना तो ये बहुत ही इजीली खिसक के आ जाएगा आपके बिनने के लिए, तो आपको बिनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है जिसको हमने ढीला किया था इसको हम खींच के टाइट करेंगे, छोटा कर लेंगे और क्रोशिया में फंसा लेंगे। अब हमें 5 चेन्स छोड़नी है, 1 2 3 4 5, और ये जो लास्ट 5 वाली चेन है इसमें फिर से हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। दो फंदे हो गए हैं, अब हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर हमें तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन। तीन चेन बनाने के बाद अब ये जो हमने होल की तरह बनाया है इसमें से ही हम 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था टैसल के लिए। ठीक उसी तरीके से
हमें इधर की तरफ से भी टैसल बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, टैसल लगाने के बाद अब हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है।